अभी आप नया प्रोवर्ब्स देखेंगे इंग्लिश टू हिंदी में, नथिंग इज परमानेंट, नथिंग इज परमानेंट, यानी कौन सी चीज़ भी परमानेंट नहीं हो सकती। जैसे कि आज का दिन कल जो आज काम हुआ कल वही सेम काम होता नहीं, अलग होता, जरा चेंज होता। इसको नथिंग इज परमानेंट, कौन सी भी परमानेंट चीज़ नहीं है। जैसा आदमी बचपन होता, जो नेक्स्ट जवानी होती है और बाद में बुढ़ापा होता, मतलब हर चीज़ कायम नहीं रहता, परमानेंट नहीं रहता। छोटे बच्चे रहते बाद में बड़े हो जाते, इसी तरह कौन सी भी चीज़ परमानेंट नहीं है। वेन यू टॉक, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, वेन यू टॉक ओनली यू आर ओनली रिपीटिंग व्हाट यू आर ऑलरेडी नो, बट इफ यू लिसन यू मे लर्न समथिंग न्यू। और एक बार बताता हूँ, वेन यू टॉक ओनली यू आर ओनली रिपीटिंग व्हाट यू ऑलरेडी नो, बट इफ यू लिसन यू मे लर्न समथिंग न्यू। इसका मतलब हम जब बात कर रहे हैं, हम जो है उस बात को रिपीट ही कर रहे हैं, हमको जो पता है, बट हम अगर सुनेंगे, अगर हम सुनेंगे, यू मे लर्न समथिंग, हम कुछ सीखेंगे, इसका मतलब ये। दूसरा जो प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब पीपल विल नोटिस द चेंज इन योर एटीट्यूड टुवर्ड्स देम बट वोंट नोटिस दे बिहेवियर दैट मेड यू चेंज। मतलब क्या, पीपल जो है ना नोटिस करेंगे अपने एटीट्यूड में, उनके ऊपर क्या परसीव कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनका क्या सोच रहे हैं एटीट्यूड उनके ऊपर, बट वो लोग नोटिस नहीं करेंगे आपका बिहेवियर, उनको चेंज हुआ, आपको देखिए चेंज है। द ट्रूथ इज टेल द ट्रूथ इवन इफ नो वन बिलीव इट, सही जो है सही है, इवन इफ नो वन बिलीव इट, अगर कोई भी भरोसा किया तो, ए लाई इज ए लाई इवन इफ एवरीवन बिलीव इट, झूठ झूठ है, मतलब ट्रूथ जो है ना सही सही है, अगर ये उसको कोई बिलीव नहीं करे तो भी, ये झूठ जो है ना झूठ है, अगर वो माने या ना माने, भरोसा करे या ना करे। दूसरा जो है, ए लाई इज स्टिल लाइव इवन इफ एवरीवन बिलीव्स इट, ये झूठ जो है झूठ होता, अगर वो इवन इफ एवरीवन बिलीव्स इट, अगर वो माने भी तो झूठ झूठ ही होता है। सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेशनली, सक्सेस जो है यानी कामयाबी जब जब कर रहे हैं आप, वो उसमें सक्सेस नहीं होती, डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेशनली बट व्हाट यू डू ओकेशनली, कभी ना कभी, कब तो भी जो है सक्सेस मिलती, हर वक्त सक्सेस नहीं मिलती। एवरी डे वी हियर इज एन ओपिनियन, एवरी डे वी हियर इज एन ओपिनियन नॉट ए फैक्ट, हम दूसरों की जो है राय वगैरह सोचते, ओपिनियन लेते हैं, बट वो एक्चुअली सही नहीं है। एवरीथिंग वी सी इज पर्सपेक्टिव नॉट द ट्रूथ, पर्सपेक्टिव मतलब आइडिया होता है, एवरीथिंग वी सी हर वक्त जो है अपन एक आइडिया देखते हैं वो सही नहीं, नॉट द ट्रूथ। डोंट बर्न योर अपॉर्चुनिटीज फॉर ए टेम्पररी कम्फर्ट, अपने जो ऐशो आराम जो है ना, एक मामूली कम्फर्ट यानी आसान या कुछ लाइफ ईजी के लिए मत सोचिए। डोंट बर्न योर अपॉर्चुनिटीज फॉर चांसेस जो है मत ये करिए, फॉर ए टेम्पररी कम्फर्ट, आराम थोड़ा बहुत मिल गया तो उसको अब मिस मत करिए अपॉर्चुनिटीज। एवरी डे इज़ ए न्यू बिगिनिंग,
हर दिन जो है नया दिन। टेक ए डीप ब्रीथ, स्माइल एंड स्टार्ट अगेन। एवरी डे जो है नया, हर दिन जो है नया दिन समझ के काम करिए और अच्छी लंबी सांस लेकर मुस्कुराते हुए फिर से शुरुआत कीजिए। वरिंग डजन टेक टुमारोज ट्रबल्स, इट टेक ऑलवेज टुडेज पीस। वरिंग मतलब परेशान होना, डजन टेक टुमारोज ट्रबल्स, कल के दिन का हम ट्रबल परेशानियां नहीं ले सकते। अगर हम परेशान हुए कल का परेशानी को नहीं ले सकते। ये आज का दिन जो है ना आराम का या पीस का, काम का दिन या खामोशी का दिन ले लेगा वो। कल अगर अपन वरी करें, कल के बारे में आज वरी करें, आज का दिन जो है ले लेगा। टुडेज दिन, डू गुड फॉर अदर्स, अच्छा काम करिए दूसरों के लिए, इट विल कम बैक इन। वो जो है दूसरों के लिए अच्छा काम करें तो हमारा काम जो है हमारे लिए अच्छा दिन आएगा। कम बैक अगेन, इट विल कम बैक इन, कम बैक इन। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स या कुछ अच्छा दिखा तो चैनल को सब्सक्राइब भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब।